मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को सुकमा जिले के ग्राम छिंदगढ़ के थाना परिसर में बने हेलीपैड पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजगीत से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के विकास हेतु विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं की, जिसमें प्रमुख रूप से छिंदगढ़ में रेस्ट हाउस के निर्माण, तालनार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए 30 बिस्तर अस्पताल निर्माण, आमजनों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए पोरदेम मार्ग में नवीन पुल का निर्माण, मनकापाल में पुसेर मार्ग में मलगेर नदी में पुलिया का निर्माण सहित अन्य घोषणाएं शामिल है। आज सुकमा छिंदगढ़ में 273 करोड़ 28 लाख रुपए के 173 विकास कार्यों की सौगात मिली। इसमें 254 करोड़ रुपए के 118 कार्य के भूमि पूजन और 19 करोड़ 18 लाख रुपए के 19 कार्यों के लोकार्पण का कार्य हुआ है। आदरणीय साथियों, पहले सुकमा और छिंदगढ़ की स्थिति क्या थी और आज 5 सालों में छिंदगढ़ और सुकमा में क्या परिवर्तन आया है, इससे आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। पिछले समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था, बहुत सारे आपने निर्माण कार्य, बहुत सारे आजीविका के कार्य और साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, तमाम आप सबने मांग की थी। आदरणीय साथियों, सुकमा वो जगह जहां लोग दिन में भी दरबा घाटी क्रॉस करके आने से डरते थे, आज रात में भी मोटरसाइकिल में आराम से आ जा सकते हैं। परिवर्तन हुआ है, यहां के आवागमन में छिंदगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पक्की सड़क से न जुड़ा हुआ हो। सुकमा ब्लॉक के अधिकांश गांव हमारे पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। कोंटा में भी अब पक्की सड़क तो नहीं, लेकिन कच्चे मार्ग का निर्माण तेजी से हो रहा है, पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है, गिट्टी मुरम का भी कार्य हो रहा है, पुल पुलिया का निर्माण लगातार किया जा रहा है। जो स्कूल बंद थे फिर से शुरू किया गया, लोग यहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, पहली बार है कि पूरे सुकमा जिले के हर पंचायत के चुनाव हुए हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एलमागुड़ा में 15 अगस्त को पूरा गांव बिजली से जगमगा गया। अंधेरा वहां था, जहां बिजली नहीं पहुंच पाए वहां सोलर लाइट वहां पहुंचाया गया, उससे बिजली पहुंची है। आदरणीय साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लोगों को राशन कार्ड नहीं थे तो राशन मिलता कहां, लेकिन भाई कवासी के मेहनत से, लखमा के मेहनत से, अधिकारियों के साहस से ये कार्य संभव हुआ कि अंदरूनी क्षेत्रों में जाके कैंप लगाए, राशन कार्ड बनाए, जॉब कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए और आज उन दुकानों में राशन भी है, लोग राशन भी खरीद रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए, स्कूल खुल गए। मैं तो जगरगुंडा लखमा के साथ 2001 में गया था उप तहसील कार्यालय के उद्घाटन, तब से उसके बाद वहां की स्कूल भी बंद, बाजार भी बंद, सब बंद। हमारी सरकार आई, फिर से स्कूल खुला। अभी हमारी एक बहन आई थी जगरगुंडा से, मैंने पूछा स्कूल कैसा चल रहा है, बोले बहुत बढ़िया चल रहा है, सड़कें भी बन गई, स्कूल भी चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी खुल गए हैं। अब उन्होंने कुछ और मांग की है और उससे जरूर पूछ लेना लखमा जी, है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि अब जगरगुंडा में धान खरीदी केंद्र भी खुलना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जगरगुंडा में भी धान खरीदी केंद्र होना चाहिए। जल जीवन मिशन के माध्यम से यहाँ के सरपंच बहुत खुश। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग आए थे, गांव वाले बहुत होशियार हैं हमारे छिंदगढ़ के,
उसी कैंपस में कार्यक्रम रखे, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा और उसके बाद मुझे मंदिर ले गए। गांव वाले बनाए थे तो वहां राड दिखाई दे रहा था पूरा, कोई भी ले लो, जो छड़ दिखाई दे रहा था, सारे लेंटर है वो झड़ गए थे। आज भाई लखमा जी के मेहनत से, जिला प्रशासन के मेहनत से आज बहुत सुंदर हमारे आस्था के केंद्र का निर्माण हुआ। मैं वहां देवी की पूजा भी करके आया हूं। इतना सुंदर मंदिर अभी छिंदगढ़ में देखने को नहीं मिला जो आप सब ने मिलकर बनाया है। और उसी के साथ साथ हमारी सरपंच बहन ने कहा कि हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो गई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो इस प्रकार से लगातार प्रयास यही हो रहा है कि आम जनता की सुविधा मिले। पहले कैसे महुआ को सड़कों में फेंक देते थे, आज लघु उपज की खरीदी हो रही है, तेंदू पत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से। देखो लखमा कितना होशियार है, मैं जगरगुंडा घोषणा किया तुरंत लिखवा के ले आया मानकापाल और किस्ताराम, यहां भी धान खरीदी केंद्र होना चाहिए, है ना। तो इसकी भी मांग उन्होंने कर दी, उसकी भी घोषणा। साथ ही बच्चों के पढ़ने के लिए, आज जब हम बस्तर फाइटर की भर्ती करते थे गांव में पढ़े लिखे नौजवान हमको नहीं मिल रहे थे, आज जब हम सुकमा में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराए यहां के बच्चे अब मेरिट में आ रहे हैं, दसवीं में मेरिट में आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात। तो उसी प्रकार से सेंट्रल लाइब्रेरी हम लोग का आज भूमि पूजन हम लोगों ने किया है, यूथ हॉस्टल का भूमि पूजन हम लोगों ने किया है, जिला चिकित्सालय में 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर का निर्माण के लिए भी भूमि पूजन हमने किया है। वहीं रामाराम हम सबके आस्था के केंद्र पिछले समय में नहीं आ पाया था, वर्चुअली वहां भाषण दिया था, कवासी वहां खूब भीड़ इकट्ठा करके रखा था, हमारा भतीजा भी हरीश भी खूब इंतजाम किया था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाया था। कितना बढ़िया वो वहां सुंदर से सजाया गया है। उसी प्रकार से हमारे देवगुड़ी है, गोटुल है, उसका भी निर्माण हम लोगों ने किया है, हजारों के तादाद में देवगुड़ी बनाए पूरे बस्तर में, गोटुल भी सैकड़ों के तादाद में बने हैं। ये हमारे आस्था के केंद्र, उसका निर्माण हम लोगों ने किया है। और उसके साथ साथ हमारे जो महापुरुष हैं बस्तर में, हर जिले में ऐसे कोई न कोई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने देश की आजादी में आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उन सब महापुरुषों के मूर्ति की स्थापना सुकमा हो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो नारायणपुर हो, चाहे वो कांकेर हो, कोंडागांव, सभी जिलों में हम अपने महापुरुषों के मूर्ति का भी स्थापना की और उसके नाम से स्कूल है, कॉलेज है, उसका भी नामकरण हम लोगों ने किया है। जल जंगल जमीन के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, आज सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का पट्टा हम लोगों ने दिया है, व्यक्तिगत दावे के पट्टे भी हम लोगों ने दिया है। तो लगातार प्रयास यही है कि हमारे आदिवासी भाइयों को, बस्तर में रहने वाले को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बना सकें, उनके शिक्षा, उनके रोजगार। साथ ही शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, छोटी छोटी बीमारियों में लोगों की मौतें हो जाती थी, मलेरिया से, उल्टी डायरिया से, इससे मौत हो जाती थी। आज हाट बाजार क्लिनिक योजना, हमारे जिला अस्पताल, पीएससी, सीएससी, इसमें डॉक्टरों की भर्ती और इलाज करने के साथ साथ अब तो पशुधन के लिए भी, हमारे गौ माता के लिए भी आज 5 गाड़ी हम लोगों ने रवाना किया है, उसका भी इलाज होना चाहिए, दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे हिस्पुष्ट होना चाहिए, लोगों के आमदनी बढ़ना चाहिए। गौठान भी, गौठान में बहुत सारी गतिविधि हम लोग संचालित कर रहे हैं।